बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आइए आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चों जैसा कि कल हमने तौहीद सबक की पढ़ाई की थी, आज हम इसकी तफहीम करेंगे और सरगर्मी नंबर एक करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको डेट मेंशन करनी है, जिस डेट का काम होगा उर्दू में डेट मेंशन करेंगे और डे भी। चले आइए अब हम अपनी सरगर्मी नंबर एक करते हैं। मुख्तसर जवाब दें। तौहीद का मतलब है अल्लाह ताला की जात को एक मानना, अल्लाह ताला की जात को एक मानना, ठीक है। सवाल नंबर दो है, सबसे बड़ा कौन है? आपको पता है सबसे बड़ा कौन है? जी हाँ, सबसे बड़ा है अल्लाह ताला। ये कायनात किसने पैदा की है? जी हाँ, ये कायनात अल्लाह ताला ने पैदा की है। तो हम यहाँ जवाब लिखेंगे अल्लाह ताला, ठीक है बच्चों। अरे बच्चों सरगर्मी नंबर दो जो है इसमें ये लिखा है कि मिसाल के मुताबिक लफ्ज को तस्वीर से मिलाएं। जैसे इबादत कर रहा है ये बच्चा, तो इबादत से एरो का निशान बनाया। सूरज कहाँ है इन तस्वीरों में? सूरज, जी हाँ, आप ब्लू पेंसिल लेंगे और सूरज से इसको मिलाएंगे, ठीक है। चलना, कौन सी तस्वीर में बच्चा चल रहा है? तो हम इसको इससे मैच करेंगे। सुनना, सुनने के लिए क्या चीज होती है? कान, इससे मिलाएंगे। देखना, देखने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं हम? आंखें। गुड, अब हम करेंगे सरगर्मी नंबर तीन। दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अर रहमान के मायने हैं? सुनने वाला, देखने वाला या बहुत मेहरबान? अर रहमान के मायने हैं बहुत मेहरबान। अल कुद्दूस के मायने हैं पालने वाला, माफ करने वाला या हर बुराई से पाक। अल कुद्दूस के मायने हैं हर बुराई से पाक। आपको सिर्फ साइन का निशान लगाना है। नंबर तीन है, अर रहीम के मायने हैं तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला या बहुत मोहब्बत करने वाला। अर रहीम के मायने हैं रहम करने वाला। प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज।